मॉर्निंग स्टूडेंट्स एवरीवन, तो आज के इस वीडियोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पिछले वाले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे बहुल आवेशों के बीच वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, या उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश होंगे तब उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत बल कार्य करेगा उसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे। ठीक, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स भी दिया था, ठीक है ना। अभी जब ये चैप्टर एंड होगा तो हम लोग और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है ना, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल ढेर सारा करेंगे। तो आइए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में जानते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी पूछेगा आपको पेपर में, और ये थ्योरी भी पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो किसी एक आवेश पर अथवा कई आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय के चारों ओर के उस स्थान को या क्षेत्र को जिसमें किसी परीक्षण आवेश वैद्युत बल, अब वैद्युत बल आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ रहा है, यानी किसी आवेश, एक आवेश होगा या बहुत सारे आवेश होंगे, उस आवेशों के निकाय के कारण जो क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र में कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा तब हम लोग उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज होगा, ठीक, परीक्षण आवेश जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टिंग चार्ज, उस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो यहाँ पे मैंने मान लिया यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 या इसी को हम लोग बोलेंगे Q0 पर कार्य करने वाला वैद्युत बल वेक्टर F, बल एक सदिश राशि है, वेक्टर F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। यहाँ पे देखिए लिखा गया ना कि अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात और क्या था, वैद्युत बल, तो ये वैद्युत बल हो गया और ये परीक्षण आवेश, ठीक, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब आइए जानते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। देखिए ये सदिश है तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्यों, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे शॉर्टकट में न्यूटन पर कूलाम। इसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT^-3a^-1। और हम लोग जानते हैं कि विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। अब ये विमीय सूत्र कहाँ से आया, तो यहाँ से देख लीजिए, ये F का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT^-2, और नीचे Q आवेश, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A×T। क्यों, क्योंकि Q=IT, तो I का A हो जाएगा और T समय का कैपिटल T, तो ये A यहाँ से ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो ML और ये T^-3 हो जाएगा, A^-1। ठीक, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए राशि, मात्रक और विमीय सूत्र। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं अपने,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए उसको हम लोग जान लेते हैं। नोट में देख लीजिए इसको, वेक्टर इज इक्वल टू, अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, क्या होगा वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू वेक्टर ई। ठीक, अब देखिए यदि क्यू जीरो यानी कि जो टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है, वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव हो, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव होगा धनात्मक, तो प्लस क्यू जीरो इंटू वेक्टर ई। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो वेक्टर सॉरी जो क्या बोलते हैं, ये वेक्टर ई की डायरेक्शन होगा, दिशा होगी, वही किसकी दिशा होगी, वेक्टर एफ की, या हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर एफ की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो किसकी होगी, वेक्टर ई की। कब? जब धनात्मक आवेश रहेगा तब। ठीक, तो इस कंडीशन में यानी कि जब परीक्षण आवेश धनात्मक होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उस आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल की दिशा दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, या ये कह सकते हैं कि दोनों की दिशा एक ही होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है वेक्टर एफ एंड वेक्टर ई आर पैरेलल, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक, अतः स्पष्ट होता है कि जब परीक्षण आवेश धनात्मक होगा तो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में ही होगी, यानी कि दोनों की दिशा एक ही होगी। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट इसी का उल्टा है, यदि परीक्षण आवेश या जो चार्ज है वो निगेटिव होगा, तब क्या होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई। अब देखिए यहाँ से इन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक, तो वेक्टर एफ एंड वेक्टर ई आर क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मीन्स विपरीत समांतर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उल्टा होगी, यानी कि एक का डायरेक्शन इधर होगा तो दूसरा का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यानी कि वेक्टर एफ और वेक्टर ई की दिशा दूसरे के एंटी पैरेलल होगी। अतः स्पष्ट होता है कि जब परीक्षण आवेश ऋणात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा के विपरीत होगी, यानी कि जो बल की दिशा होगी उसके विपरीत वाली दिशा क्या किसकी होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उससे दूर की ओर होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा वैद्युत बल की दिशा में ही होगी, और ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा वैद्युत बल की दिशा के विपरीत होगी, समझ में आ रहा है ना। अब इसी को देखिए, मैंने शॉर्ट में इसको समझा दिया है, देखिए ये धनात्मक आवेश है पॉजिटिव चार्ज, और ये परीक्षण आवेश मेरा धनात्मक है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच जो वैद्युत बल काम करेगा वो कैसा काम करेगा, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स इधर देखिए बाहर की तरफ काम कर रहा है। ठीक, और ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो वैद्युत बल की दिशा में ही होगी, तो देख रहे हैं ना, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वैद्युत बल की दिशा में ही है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन में देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा उसमें हम लोग ये परीक्षण आवेश ले जा रहे हैं, ये सब परीक्षण आवेश, देख रहे हैं ना। अब ये माइनस क्यू जीरो हो गया ऋणात्मक, तो अब ये दोनों आवेश क्या हो गए, विपरीत प्रकृति के, तो इनके बीच कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल। ठीक, तो इन दोनों के देखिए आकर्षण बल काम कर रहा है। अब ऋणात्मक आवेश है, तो इस ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या होगी, इस बल की दिशा के विपरीत दिशा में, तो देखिए ये बल के विपरीत दिशा में हो गई। ठीक, उसी तरीके से देखिए, अब जो वैद्युत क्षेत्र वाला आवेश है वो ऋणात्मक हो गया, और ये परीक्षण आवेश मेरा क्या हो गया, धनात्मक, तो फिर इन दोनों के बीच जो वैद्युत बल काम करेगा वो आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक, लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा वैद्युत बल की दिशा में ही होगी, तो यहाँ से वैद्युत बल की दिशा इधर की तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इसी बल की दिशा में ही होगी। ठीक, कब, जब परीक्षण आवेश धनात्मक रहेगा तब। अब देखिए ये मेरा ऋणात्मक है और ये परीक्षण आवेश भी ऋणात्मक है, तो दोनों की प्रकृति समान है, तो दोनों के बीच कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल, देखिए प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ है। ठीक, अब ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बल की दिशा के विपरीत में होगी, तो ये बल की दिशा इधर है
और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो सिंपल सा दो लाइन में आप क्या कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा, देखिए धनात्मक आवेश है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इससे दूर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। देख रहा है ना, ये बाहर की ओर है, यहाँ भी धनात्मक आवेश है, देखिए तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इससे दूर की ओर, कह सकते हैं बाहर की ओर होगी। ठीक, और ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये माइनस की आवेश कारण है, इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, उसी आवेश की ओर, तो इसी आवेश की ओर है ना। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस क्यू आवेश है, तो इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, इसी आवेश की ओर है। ठीक, फिर से देख लीजिए, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर है, या कह सकते हैं बाहर की ओर है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए इसी की ओर है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की ओर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो समझ में आ गया, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान में क्यू नॉट। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, E बराबर F बटा में क्यू। ठीक, लेकिन वो कब होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। लेकिन यदि हमको किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर एक दूरी फिक्स कर दे और उस दूरी पर बोले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। ठीक, देखिए बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये मेरा बिंदु आवेश, ये चार्ज है प्लस क्यू, और इससे आर दूरी पर ये एक प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं इससे दूर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई बाहर की ओर, और ये दोनों आवेश क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो ये प्रतिकर्षण बल। ठीक, बाहर की ओर, दोनों ट्रिक आप समझ सकते हैं, मैंने बोला था धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बल की दिशा में ही होगी, और ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बल की दिशा के विपरीत होगी। दो पॉइंट याद करके रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर में हम लोग हमेशा डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं, डायरेक्शन ही मेन होता है, यदि डायरेक्शन हम लोग गलत कर दिए तो फिर पूरा क्वेश्चन हो या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं सब गलत हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये प्लस क्यू आवेश स्थित है ओ पर, इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु पी पर इस आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये बिंदु पी पर प्लस क्यू जीरो पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। ठीक, इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस आवेश के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उसका मान क्या होगा, हमको यही निकालना है। तो यहाँ से OP बराबर R डिस्टेंस हमने मान लिया, K क्या है, इस माध्यम का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने बताया था पीछे ना, और ये है बिंदु P पर Q जीरो पर आवेश पर बल, ये Q जीरो जो है इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ इस पर बल काम करेगा, पीछे हम लोग पढ़े हैं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल, कूलाम का नियम। ठीक, तो उस नियम के अनुसार इस क्यू जीरो पर जो बल काम करेगा वो क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू वन बाई फोर पाई एफ साइलेंट जीरो के इंटू क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, इस वेक्टर एफ की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो क्या हो जी, वेक्टर ओपी के दिशा में, देख रहा ना ये वेक्टर एफ वेक्टर ओपी की दिशा में। अतः बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, इजकल टू क्या आ जाएगा, एफ बटा में क्यू जीरो जो परीक्षण आवेश है, और एफ का मान यहाँ से हमको पता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू, अब देखिए क्यू क्यू जीरो अपन आर स्क्वायर यहाँ से हो गया, और ये क्यू जीरो जो बटा में है पूरा के बटा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू जीरो हो जाएगा, अब ये क्यू जीरो से क्यू जीरो कट गया यानी क्यू अपन आर स्क्वायर,
यानी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 πε0 के इंटू q/r². ठीक, यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि इस परीक्षण आवेश का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं आपको q0 नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, यानी कि इस आवेश के कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसका मान परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, समझ आ रहा है ना। आप परीक्षण आवेश कोई भी ले लीजिए, उससे इस पर कोई मतलब निर्भर नहीं होगा, समझ आ रहा है ना। तो ये रहा आपका बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 πε0 के इंटू q/r². ठीक, इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे सदिश रूप में तो क्या लिखेंगे, वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 πε0 के इंटू q/r² और ये r देखिए यहाँ पे r² है ना, तो इसको ये इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर r कैप इसको हम लोग बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी सदिश की दिशा बताने के लिए हम उसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है ना। तो ये r कैप किसकी दिशा बता रहा है, वेक्टर e की दिशा बता रहा है। ठीक, अब यहाँ से नोट देखिए इसमें क्या, वही पॉइंट लिखे हैं जो मैंने पीछे भी बताया, यदि q यानी कि जो भी आवेश होगा धनात्मक होगा तब वेक्टर e की दिशा आवेश से बाहर की ओर होगी, और जब q ऋणात्मक होगा तब वेक्टर e यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होगी, आवेश की ओर होगी, ये मैंने पीछे बता चुका है। ठीक है ना, तो ये रहा आपका बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 πε0 के इंटू q/r². इस फार्मूले को याद करके रखिएगा, ठीक है ना। अभी इसमें हम लोग आगे कई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोग कूलम्ब के नियम में पढ़े थे कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों के बीच वैद्युत बल पड़े थे ना, उसी तरीके से यदि कोई निकाय या मतलब कई आवेशों से मिलकर बना है और उसमें किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, किस विधि से, सदिश विधि से, यानी कि सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हमको निकल जाएगी। ठीक है ना, देखिए वही लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, अध्यारोपण का सिद्धांत पीछे बताया गया था ना। ठीक, तो अतः अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। ठीक है ना, मैंने बताया ना भाई कि अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर और उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, किस विधि से, सदिश विधि से। तो यहाँ पर लिखा गया है यदि किसी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ क्रमशः वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3 .. इस तरह से मतलब जितने रहेंगे सबको मैंने ले लेंगे हो, तब उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस .. और हम लोग सदिशों का ये उपल करना जानते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लीजिए। और ये देखिए जो नोट बनाकर लिखा जाता है, मतलब नोट्स में मैंने जो आपको दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आएंगे या फिर आपसे कोई जनरल पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या पॉइंट है, पहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्षेत्र सामर्थ्य या वैद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में कई जगह ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र सदिश, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र सामर्थ्य, किसको, वैद्युत क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए या वैद्युत क्षेत्र कहिए, दोनों बातें की है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश मतलब जो हम लोग चार्ज लिए रहेंगे, स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, परीक्षण आवेश के परिमाण पर नहीं। अभी मैंने बताया ना कि जो मेन आवेश होगा
उस पर ही निर्भर करेगा। जैसे मैंने दिखा था पीछे ना कि प्लस क्यू, जैसे सूत्र में आ रहा था 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, तो उस फार्मूले में कहीं आपको क्यू जीरो दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, यानी कि क्यू जीरो पर निर्भर नहीं करता है। और क्यू जीरो क्या था मेरा, परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश पर कभी निर्भर नहीं करेगा। जो मेन चार्ज होगा, आवेश होगा, यानी जो स्रोत होगा आवेश, तो उस पर ही निर्भर करेगा। ठीक, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसको हम लोग बोल सकते हैं ई डायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दो तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² या ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि ई समानुपाती है किसके, 1/r² के, यानी कि 1/r² का मान बढ़ेगा तो ये ई भी बढ़ेगा, 1/r² का मान घटेगा तो ई भी घटेगा, लेकिन आर यदि बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा, और यदि आर घटेगा तो ई बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली है ना। देखिए इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा गया है, किसके किसके बीच, आर स्क्वायर और 1/r² के, तो ये आर स्क्वायर और ई में भी मैंने बताया ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आर स्क्वायर ग्राफ दिख रहा है यहाँ से ना, यदि आपको ग्राफ यदि खींचना है कैसे आया तो आप यहाँ फिर खींच सकते हैं कैसे, यदि आर का मान एक लेंगे तो ई का मान कुछ आएगा, आर का मान दो लेंगे तो कुछ आएगा, आर का मान तीन लेंगे तो, ऐसे करके खींचेंगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा। और 1/r² के बीच आपने अभी देखा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना इसका मान आएगा उतना ही इसका मान आता जाएगा बराबर। ठीक, तो ये आपका सीधी रेखा है। ठीक, तो ये रहा आपका इन दोनों के बीच ग्राफ। अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक अल्फा कण, अल्फा कण जानते हैं ना, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन के, अरे सॉरी दो प्रोटॉन के बराबर होता है। अल्फा कण पॉजिटिव होता है ना, धनात्मक होता है, तो इसमें जो चार्ज होता है दो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन पे हमको चार्ज पता ही है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर प्रोटॉन का आवेश, होता क्या है बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, लेकिन दोनों पे चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10 कहते हैं −19 कूलम। तो इस पे क्या हो जाएगा, 1.6 × 10 कहते हैं −19 कूलम। यहाँ पे लिखा भी गया देखिए 3.2 × 10 कहते हैं −19 कूलम। ठीक, तो क्या दिया क्वेश्चन, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या लिखेंगे, दिया है, मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन में ये लिखिए, अरे सॉरी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखिए क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो जो जो दिया है मैंने लिख लिया, अल्फा कण पर आवेश क्यू बराबर कितना होता है। अब ये देखिए दिया नहीं है क्वेश्चन में, आपको जानना होगा कि अल्फा कण मतलब उस पर आवेश कितना होता है, हमको पता होना चाहिए, समझा रहा है ना। तो 3.2 × 10 कहते हैं −19 कूलम होता है आवेश किस पे, अल्फा कण पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितना दिया है, 15×10 कहते हैं 4 N/κ। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल एफ इजक्वल टू ज्ञात करना है। तो हम लोग पीछे ही फॉर्मूला पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजक्वल टू क्या होगा, F/Q। तो यहाँ से हम लोग F इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q × U क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये गुणा कर दिया Q × E। तो Q का मान हमको दिया है कितना, 3.2 × 10 कहते हैं −19, और गुणते E का मान कितना दिया था, 15×10⁴। अब गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 48 आ जाएगा, और ये 10⁻¹ है और ये 4 है, तो यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻¹। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि जब भी 10⁻ में कोई संख्या लिखी हो तो उसको हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लिखते हैं। ठीक, मानक रूप में लिखने का मैंने तरीका बताया था कि कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो उसके एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं और बाकी सबको 10⁻ के रूप में लिख देते हैं, वही क्या होता है, मानक रूप। तो यहाँ पे 48 था, तो 48 को हमने क्या कर दिया, देखिए एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दिया, यानी कि दशमलव के इधर बाईं तरफ एक अंक होना चाहिए। ठीक, और इधर जो होगी संख्या 10⁻ के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, एक अंक दशमलव का बढ़ गया तो घात एक बढ़ जाएगा, तो −15 से बढ़कर क्या हो गया, −14 हो गया। एक सिंपल सा ट्रिक समझ लीजिए कि जब गुणा में दशमलव, यहाँ पे देखिए दशमलव अंक बढ़ेगा तो घात भी क्या होगा, बढ़ेगा,
और जब दशमलव अंक घटेगा तो घात भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहीं पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए ध्यान से, ये 48 था, यहाँ पे दशमलव अंक एक भी नहीं था मान लीजिए, ठीक। इधर तो जीरो छोड़ दीजिए, दशमलव अंक एक भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने दशमलव अंक एक बढ़ा दिया। देखिए एक दिख रहा है ना, ये एक अंक दशमलव का हो गया, तो दशमलव अंक एक बढ़ा है तो घात भी क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, यानी माइनस 15 से बढ़कर, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि माइनस में ना बढ़ रहा है, तो बढ़ गया एक। अब इसी इसको देखिए, दशमलव अंक ये एक था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, जीरो हो गया, तो घात भी क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो माइनस 14 से घट कर क्या हो जाएगा, माइनस एक, माइनस 15। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरह से हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है। दूसरा एग्जांपल है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में एक मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि r दूरी पर वाला सूत्र लगेगा क्योंकि हमको दूरी का मान दे दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है q इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, r इक्वल टू 1 मीटर, और k, यहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा, निर्वात के लिए 1 होता है, e का मान हमको पूछ रहा है। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, e इक्वल टू 1/4πε₀k × q/r² और 1/4πε₀ का मान कितना हो जाएगा, 9×10⁻¹, और ये नीचे की है के है, तो के का मान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे निर्वात है। अब q का मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹, और यहाँ से r का मान 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, गुणा कर लीजिए तो 16×9=144, यानी कि 14.4 हो गया, और ये 10 की घात क्या हो जाएगा, ये −19 है और ये 9 है, ठीक, दोनों जुट जाएगा तो −10 हो जाएगा। यानी कि अब फिर इसको देखिए, मैंने स्टैंडर्ड रूप मानक रूप में लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कैसे हम घात बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं। दशमलव का एक अंक यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, दशमलव का दो अंक हो गया है, यानी कि एक दशमलव अंक बढ़ गया तो घात भी क्या होगी, एक बढ़ेगी, यानी कि जितना दशमलव अंक बढ़ेगा उतना ही घात बढ़ेगी, और जितना ही दशमलव अंक घटेगा उतना ही घात घट जाएगी। तो यहाँ पे दशमलव अंक एक बढ़ रहा है तो 10 की घात भी क्या होगी, एक बढ़ेगी, तो −10 से बढ़कर −9 हो गई, ठीक। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया, 1.44×10⁻¹⁹ न्यूटन प्रति कूलम। और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप नीचे उत्तर जरूर लिखा करिए, आंसर लिखा करिए, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंसर लिखते समय आप मात्रक जरूर लिखिए, सही से लिखिए, क्योंकि मात्रक ही मेन है। यदि मात्रक आप नहीं लिखते हैं तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो भी सकता है, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए मात्रक सही से लिखिए और छोड़िए मत। अगला एग्जांपल से थोड़ा उससे हटकर, एक बिंदु आवेश से एक मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमको क्या क्या दिया है लिख लीजिए, इज इक्वल टू 450 न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है ना, r इक्वल टू कितना दिया है, 1 मीटर, और q इक्वल टू हमसे पूछ रहा है, तो फिर वही फार्मूला, r दूरी पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू 1.4πε₀ × q/r², और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कूलम के नियम में बोला था कि जब हमको क्वेश्चंस में हवा या निर्वात या माध्यम का जिक्र न किया हो, यहाँ पे देखिए कोई माध्यम नहीं दिया ना, तो माध्यम का जब जिक्र न किया हो तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, निर्वात या वायु ही मानकर चलेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पे के नहीं भी लिखेंगे क्योंकि के का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 9×10⁻¹⁹, इसका मान 1/4πε₀, और ये क्यू अपन क्या हो गया, r² का मान 1 हो गया। अब यहाँ से e का मान हमको दिया कितना, 450 × 9×10⁻¹⁹ q, अब यहाँ से q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 450 × 9×10⁻¹⁹, ये कट जाएगा, 9×5=45, यानी 50×10⁻¹⁹ ये 9 नीचे धनात्मक है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। जानते हैं ना, घात जब ऊपर से नीचे जाती है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, या नीचे से ऊपर जाती है तो भी, ठीक है, तो इसलिए q इक्वल टू कितना आ गया। अब यहाँ भी हम लोग मानक रूप में स्टैंडर्ड रूप में लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव का एक अंक भी नहीं था, यहाँ दशमलव का एक अंक हो गया, तो ये 5×10⁻¹⁹ कूलम,
इस प्रकार उस पर आवेश कितना होगा, 5×10 कहते हैं -8 कूलम। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हर एक वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखेंगे, कहेंगे समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, ऐसा कई कमेंट आया है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में तब आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। समझा रहा ना, जाना ही समझा रहा है, कमेंट करके बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करके बताने की। ठीक है ना, तो बस थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे।